तो फाइनली दोस्तों आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइस मोनू यूट्यूबर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले कि गाइस ड्रीम इलेवन में आप भी चाहते हो एक रैंक लाना तो गाइस आपको खास करके ड्रीम इलेवन IPL के 2023 में मात्र आपको तीन गलती नहीं करना है। तो वह तीन गलती क्या नहीं करना है सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना क्योंकि गाइस देखो IPL का जो मैच होता है ना वह बहुत बड़ा मैच होता है। इसमें देखा जाए तो भाई कंपटीशन भी काफी ज्यादा रहता है तो इसमें बहुत सारा लोग खेलने वाला होता है मतलब बोले तो यहां पर से बहुत सारा यूजर होता है। तो उस कंडीशन में आप मात्र तीन गलती को सुधार लेते हो इस वीडियो को देखने के बाद तो गाइस यहां पर से किसी को भी बड़े आसानी तरीके से हरा करके आप भी हैशटैग एक रैंक ला सकते हो। तो इस वीडियो में हम खुल करके डिस्कस करेंगे कि गाइस खास करके आपको IPL मैच के लिए वह तीन गलती क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको पूरा बारीकी से A to Z जानकारी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले जो भाई अभी तक के या वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेनी है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो गाइस वीडियो का नोटिफिकेशन जो हुआ सबसे पहले आप तक के जाएगा। और साथ में गाइस देखो IPL चल रहा है, IPL का यदि आप भी चाहते हो फाइनल एंड फ्री टीम बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मिलेगा इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में गाइस वीडियो के कमेंट बॉक्स में गाइस टॉप पर पिन कर दिया हूं जहां से आप बड़े आसानी तरीके से जो हुआ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से जिसे भी भाइयों को चाहते हो यहां पर से जिस भाइयों को चाहिए यहां पर से मेरा फाइनल एंड फ्री टीम जो मैं टीम लगाता हूं वही टीम आपको बिल्कुल फ्री में जो प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक मैंने आपको बता दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में। गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फाइनल टीम आप वहां से प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ टीम को प्रोवाइड किया जाता है। तो फटाफट से आप सभी भाइयों को क्या करना है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो यह वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देख लो, वीडियो को देखने के बाद जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो गाइस अब बढ़ते हैं यहां पर से गलती नंबर फर्स्ट में आप लोग क्या करते हो। सबसे पहला एक आता है गाइस यहां पर से टॉस, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड में आपका क्या आता है यहां पर से सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से जो आप प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हो वह, और यहां पर से गलती जो करते हो वह तीसरा नंबर गलती में आपका गलती होता है कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं गाइस टॉस के अगेंस्ट, टॉस में आप क्या गलती करते हो उसके बाद हम देखेंगे यहां पर से गाइस कि आप टॉस में क्या गलती करते हो, उसके बाद यहां पर से हम देखेंगे सिलेक्शन परसेंटेज में आप क्या गलती करते हो, उसके बाद आप कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन बनाने वक्त क्या गलती कर जाते हो। तो सबसे पहले आते हैं टॉस। तो गाइस देखो मान लेते हैं आज का जो मुकाबला होने जा रहा है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं एक्सप्लेन करके कि आज का जो मुकाबला होने जा रहा है वह CSK और साथ में गाइस CSK वर्सेज मैं आपसे बोलूं तो DC के बीच होने जा रहा है यानी दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला को खेला जा रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आज का जो और टॉस सबसे पहले विन कर चुका गलती नंबर सेकंड मतलब फर्स्ट की अगेंस्ट हम बता रहे हैं, फर्स्ट में आप क्या गलती करते हो। तो आज का जो मुकाबला विन किया है तो गाइस मान लेते हैं सॉरी गाइस आज का जो मुकाबला हुआ यहां पर से टॉस का मुकाबला जो टॉस जीता है सबसे पहले टॉस किसने जीता तो गाइस CSK ने हुआ क्या किया CSK ने टॉस को जो हुआ विन किया, किसने विन किया तो गाइस मान लेते हैं CSK ने टॉस को विन किया। और यहां पर से गाइस मान लेते हैं लॉस किसने किया तो लॉस को जो यहां पर से विनिंग सॉरी गाइस लॉस जो कि हुआ यहां पर से वह किसका हुआ है DC का हुआ है। इस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान में रखना, सबसे बड़ा चीज आता है वह एक आता है टीम कंपैरिजन। टीम कंपैरिजन के अगेंस्ट बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो आज का मुकाबला CSK और वर्सेस किसके बीच होने जा रहा है DC के बीच होने जा रहा है, इसका हम यहां पर से कंपैरिजन करते हैं टीम का कंपैरिजन। तो गाइस मान लो CSK जो मैच को विनिंग करता हुआ कितना परसेंटेज मैच को विनिंग करता है किसके खिलाफ DC के खिलाफ, मान लेते हैं यहां पर से गाइस 65% मैच को विनिंग करता है CSK DC के अगेंस्ट। अब DC जो हुआ CSK के अगेंस्ट कितना प्रतिशत मैच को विनिंग करेगा तो 35% यहां पर से मैच को विनिंग करेगा। एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं सबसे पहले टीम कंपैरिजन गलती नंबर फर्स्ट आप लोग यहीं पर कर जाते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहां पर से टॉस किसने विनिंग किया तो गाइस CSK ने टॉस को विनिंग किया, लॉस किसने किया तो DC ने टॉस को यहां पर से लॉस किया। अब आते हैं टीम कंपैरिजन,
मान लो तो विनिंग का चांसेस किसका है सबसे ज्यादा, तो सीएसके का। विनिंग का चांसेस यहाँ पर से कम किसको बन रहा है, तो गाइस डीसी को यहाँ पर से विनिंग का चांसेस जो काफी ज्यादा कम बन रहा है। इस कंडीशन में आप यहाँ पर से टॉस मान लो सबसे पहले किसने जीता, तो डीसी ने सबसे पहले टॉस जीता। तो इस कंडीशन में आप टीम का जो रेशियो का अनुपात बनाओगे गाइस किस रेशियो में यहाँ पर से बनाओगे, तो 7 किस रेशियो में 4 के अनुपात में यहाँ पर से आप क्या करोगे टीम का सिलेक्शन करोगे, मतलब 11 प्लेयर्स इस रेशियो में आप अपने टीम में जो सिलेक्ट करोगे। पहला गलती आप यहाँ पर से करते हो। और साथ में गाइस मैं आपको बोलूं यहाँ पर से सबसे पहले टीम का सिलेक्शन करोगे, यदि बोले डीसी ने सबसे पहले टॉस जीत गया तो वह कंडीशन में आप किस रेशियो में यहाँ पर से जो टीम का सिलेक्शन करोगे, तो डीसी ने सबसे पहले टॉस जीता होगा तो उस कंडीशन में मान लो डीसी के पास यदि स्पिनर्स बॉलर्स ज्यादा होगा या पेसर्स बॉलर्स ज्यादा होगा, और यहाँ साथ में पिच रिपोर्ट आपको देखना कि आज के पिच पर बॉलिंग को मदद मिलता है या बैटिंग को मदद मिलता है, तो इस कंडीशन में आप किस रेशियो में सिलेक्ट करोगे। तो गाइस ज्यादा कुछ नहीं, 6:6 यहाँ पर से 5 रेशियो में आप प्लेयर्स का सिलेक्शन करना, मतलब आप इसमें जो है 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है अपने टीम के अंदर। आप देखो यहाँ पर से बढ़ते दूसरा गलती आप क्या करते हो, सिलेक्शन के आधार पर मान लो परसेंटेज के हिसाब से आप अपनी टीम में यहाँ पर से सिलेक्ट करके जाते हो, मतलब परसेंटेज के हिसाब से आप अपने टीम में जो प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हो। उससे पहले गाइस यहाँ पर से थोड़ा पेसर्स वर्सेज आ जाते हैं स्पिनर्स के बीच। यहाँ पर से सबसे पहले टॉस डीसी ने विन किया, इस कंडीशन में पिच रिपोर्ट आपको बता रहा है पेसर्स बॉलर से, तो कोशिश करना आप अपने टीम में जो फास्टर्स बॉलर्स यानी पेसर्स बॉलर्स को ज्यादा लेकर के जाना, या मैंने आपको बताया डीसी ने सबसे पहले टॉस जीता होगा, पिच पेसर्स बॉलर्स को मदद मिलता है या स्पिनर्स बॉलर्स को मदद मिलता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर से पेसर्स बॉलर्स ज्यादा कोशिश करना। पिच यदि स्पिनर्स का हो या पेसर्स का हुआ तो कोशिश करना पेसर्स बॉलर्स अपने टीम में ज्यादा लेकर के जाना। टॉस किसने विन किया, किसने हारा, उसके आधार पर आप कैसे 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करोगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब सिलेक्शन आते दूसरा में आप लोग क्या गलती कर जाते हो, यानी गलती नंबर 2 की अगेंस्ट बढ़ते हैं। इसमें आप क्या करते हो, तो गाइस देखो यहाँ पर से मान लो एग्जांपल की तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले मान लो सिलेक्शन क्या हो सकता है, 80% हो सकता है, या आप बोलोगे 80%, फिर मान लेते हैं 90% लोग अपनी टीम में लेकर के जा रहा, 70% लोग अपनी टीम में किसी प्लेयर्स को सिलेक्ट करके जा रहा, या मैं आपको बोलूँ यहाँ पर से गाइस जो मान लो यहाँ पर से सबसे पहले लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से 66% लोग अपनी टीम में किसी प्लेयर्स को लेकर के जा रहे। तो मैं आपको बोलूँ गाइस यहाँ पर से देखो आईपीएल का जो मैच होता है, आईपीएल के मैच में गाइस कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, और कंपटीशन के साथ आप थोड़ा माइंड नहीं लगाओगे, थोड़ा आप एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे तो भाई यहां पर से ग्रैंड लीग यानी जीरियल का विनिंग करना काफी ज्यादा यहां पर से मुमकिन हो सकता है आपके लिए। तो इस कंडीशन में मान लो यहां पर से 80% मान लो यहां पर से 90% लोग अपने टीम में किसी प्लेयर्स को सिलेक्ट करके जा रहा, इस कंडीशन में उस भाई को क्या लगता है, भाई मैंने तो अपना टीम सही तरीके से सिलेक्ट किया हूं, क्योंकि मेरा जो आज टीम आएगा 11 प्लेयर्स में अपने टीम में लेकर के जा रहा हूं, तो उसका सोच होगा भाई मेरा जो 10 टीम आएगा वह 10 टीम किसके अंतर्गत, मतलब डीटी के अंतर्गत आएगा, उसका संभावना बनेगा भाई यहां पर से ड्रीम टीम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहां पर से हाई परसेंटेज वाले प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के जा रहा हूं। तो ये आप यहां पर से बहुत बड़ा गलती करते हो, जिसके कारण आप यहां पर से ग्रैंड लीग को कभी भी विन नहीं कर पाते हो। इस कंडीशन में हम आते हैं कि गाइस मान लो आपको बोलते हैं कि पूरा रिक्स नहीं खेलो, देखो रिक्स भी खेलो तो भाई यहां पर से ग्रैंड लीग खेलो तो रिक्स तो खेलना काफी ज्यादा जरूरी है, बट आप रिक्स के साथ साथ सेफ कैसे जा सकते हो सिलेक्शन के आधार पर। तो देखो सिलेक्शन आपको बताता है, सबसे पहले मान लो 90% लोग लेकर के जा रहा, तो ये नहीं कि भाई हैशटैग रैंक मैंने आपको बता दिया हूं कि एक रैंक जो आएगा वो 90% लोगों का आएगा, क्योंकि एक रैंक आएगा गाइस यहां पर से किसी एक व्यक्ति का एक रैंक आएगा, तो मैं 90% को ड्रॉप करके मैं उस सभी लोगों के पीछे नहीं जाऊंगा, मात्र मैं जो जाऊंगा यहां पर से 10% लोगों के साथ जाऊंगा, 20% लोगों के साथ जाऊंगा, या 15% लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा। इस कंडीशन में आप मान लो 20% के साथ ही आप कंपटीशन लड़ रहे हो, आपका कंपटीशन 20% के साथ ही रहे, तो यहां पर से मान लो यहां पर से 100 माइनस में कितना कर देता हूं, 20 कर देता हूं, तो आपका कंपटीशन जो बचता हुआ 80% लोगों के साथ ही, सॉरी गाइस 80% लोगों के साथ आप ड्रॉप करके आ रहे हो, मतलब मात्र आपका जो लड़ाई बचता हुआ 20% लोगों के साथ लड़ना, मतलब टीम में उतना परसेंटेज लोगों के साथ आपका लड़ाई बचता है। तो कहीं ना कहीं बोलूंगी कि आप 20% लोगों को बड़े आसानी तरीके से हरा सकता हूं। तो इस कंडीशन में आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, तो भाई ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपको यहां पर से यह चीज का ध्यान में रखना है कि आप ग्रैंड लीग लगा रहे हो तो आप रिस्क खेलना सीखो। तो
आप आते हैं कि गाइस यहां पर से रिक्सी प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे अपनी टीम में। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बोलूंगा, तो गाइस हाई परसेंटेज प्लेयर्स को भी अपने टीम में लेकर के जाना है। हाई परसेंटेज वर्सेज आ जाते हैं किसके, तो गाइस यहां पर से वर्सेज आ जाते हैं लो परसेंटेज प्लेयर्स का कैसे सिलेक्शन करना है। हाई परसेंटेज प्लेयर्स मेरे टीम में कितना होना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बोलूंगा हाई परसेंटेज प्लेयर्स आप अपने टीम में कभी भी सिलेक्ट करना तो मात्र 4 ही प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के जाना। ये क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम के साथ जाना चाहते हो तो मिनिमम जो आप अपनी टीम में हाई परसेंटेज प्लेयर्स को सिलेक्शन करना वह मात्र 3 प्लेयर्स को हाई परसेंटेज प्लेयर्स अपने टीम में लेकर के जाना और मैक्सिमम 4 सिलेक्ट कर सकते हो हाई परसेंटेज। अब आते हैं यहां पर से लो परसेंटेज, तो हाई परसेंटेज में क्या हो सकता है, 80% वाले प्लेयर्स हो सकता है, 90% वाले प्लेयर्स हो सकता है, 70% वाले प्लेयर्स हो सकता है, या आप बोलोगे तो 66% वाले प्लेयर्स को आप अपने टीम में 3-4 प्लेयर्स को लेकर के जा सकते हो। लेकिन 7 प्लेयर्स को आप सिलेक्ट करना तो भाई 7 प्लेयर्स आप अपने टीम में लेकर के जाना तो वह लो प्लेयर्स को लेकर के जाना। क्योंकि मान लेते हैं यहां पर से एग्जांपल के तौर पर गाइस जैसे हो गया विराट कोहली हो गया, वी कोहली में मान लेता हूं, या एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो आईपीएल में मैं रोहित शर्मा भी हो सकता है, या रोहित शर्मा की जगह पर जसप्रीत बुमराह भी हो सकता है, या मैं आपसे बोलूं तो गाइस संजू सैमसन हो सकता है, या मयंक अग्रवाल हो सकता है। तो मान लो यहां पर से संजू सैमसन हो गया, एस सैमसन मैं मान लेता हूं यहां पर से संजू सैमसन हो गया। तो यहां पर से संजू सैमसन का जब हम रिसेंट मैच देखेंगे, इनका रिसेंट मैच की अगेंस्ट जाते हैं, तो सबसे पहले मान लो यहां पर से रिसेंट मैच इनका जो जा रहा है एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, पिछले मैच में क्या किया ये भाई ने, यहां पर से 5 रन बना रहे हैं या 10 रन बना रहे हैं, फिर यहां पर से 3-4-5 मैच का इनका देखते 15 रन बना रहे, 20 रन बना रहे, तो यहां पर से 15 रन बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखोगे तो भाई इसका तो फॉर्म रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब जा रहा है, लेकिन यहां पर से ये भाई सभी को पता प्लेयर्स कैसा है, तो इस कंडीशन में इनका जो परसेंटेज आ जाएगा वह 10% लोग अपने टीम में लेकर के जाएगा, 20% लोग अपने टीम में लेकर के जाएगा, हाईएस्ट हो सकता है तो 25% लोग जो वह अपनी टीम में लेकर के जाता है। तो आपको एक चीज में ध्यान में रखना है भाई, संजू सैमसन प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ है, हो सकता है भाई आज ही इनका फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि मैच है, मैच में अनिश्चितताओं का खेल होता, हो सकता आ जा सकता है आज के मैच में इनका रिसेंट फॉर्म, और इनके बल्ले से भाई हो सकता है तो 50-60 रन या 70 रन देखने को मिले, तो मात्र कितना परसेंटेज लोग लेकर के जा रहे हैं, तो मान लो 10% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में गाइस आप 90% लोगों को हरा करके आप 10% लोगों के साथ आगे निकल रहे हो। वही सेम बात बॉलिंग अगेंस्ट में जसप्रीत बुमराह थे, तो जसप्रीत बुमराह पिछले मैच से 3-3-1 विकेट मान लो या 2 विकेट निकाल 1 विकेट निकाल रहे, रिसेंट मैच में देखे 3 या 4 मैच में 1 विकेट निकाले, 0 विकेट निकाले, 0 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाले, फिर यहां पर से 0 विकेट निकाले, तो उनका सेम वही हो जाता है, संजू सैमसन के जैसा हाल हो जाएगा, उनका भी जो लोग सिलेक्शन करेगा भाई यहां पर से काफी ज्यादा कम सिलेक्ट करके जाते हैं। तो वैसे प्लेयर्स को अपनी टीम में सिलेक्ट करना जिस प्लेयर्स को रिसेंट में काफी ज्यादा फॉर्म जा रहा है, मतलब काफी ज्यादा खराब फॉर्म जा रहा है, वैसे प्लेयर्स को आप अपनी टीम में जो है लेकर के चलना। और टीम का ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता दिया हूं, 3 प्लेयर्स मिनिमम जो होना चाहिए हुआ किसके अगेंस्ट होना चाहिए, तो हाई परसेंटेज, और साथ में मैक्सिमम कितना लेकर के जा सकते हो तो 4 लेकर के जा सकते हो, और लो परसेंटेज मैंने आपको बताया 7 प्लेयर्स को आप अपनी टीम में जो है ट्राई कर सकते हो। अब आते थोड़ा यहां पर से कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करोगे, एक बड़ा चीज होता है भाई आप लोग यहां पर से कैप्टन, कभी कैप्टन चलता है तो कभी वीसी नहीं चलता, कभी वीसी चलता है तो यहां पर से कभी क्या होता है सी नहीं चलता, और गाइस बोले तो कभी कैप्टन भी फ्लॉप हो जाता है, वीसी भी फ्लॉप हो जाता है, मतलब आपने जो यहां पर से 49 रुपया लगाया होगा भाई यहां पर से ये 49 रुपया भी मतलब रिटर्न नहीं आता होगा, ये पैसा भी चला जाता होगा। तो अब आते एक बहुत बड़ा चीज होता है कि गाइस गलती 3रा नंबर में आप क्या कर देते हो, कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करने में करते हो। तो देखो यहां पर से कैप्टन और वाइस कैप्टन का कैसे सिलेक्ट करोगे, सेम वही बात है, जैसे देखो यहां पर से ये मैं मान लेता हूं ये क्या हो गया, इसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा वीसी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा क्या है वीसी हो सी है उसके बाद वीसी है। तो इस प्लेयर्स को आप अपने टीम में देखोगे तो लोग कितना परसेंटेज लोग अपने टीम में कैप्टन बना करके जा रहा है, मान लो यहां पर से 60% लोग अपने टीम में क्या करता है कैप्टन बना करके जा रहा है, इस प्लेयर्स को 2% लोग अपने टीम में कैप्टन बना करके जा रहा है, इस प्लेयर्स को लोग जो अपने टीम में 30% लोग जो वह कैप्टन बना करके जा रहा है, वीसी के अगर बढ़े तो वीसी यहां पर से 2% लोग अपने टीम में कैप्टन बना करके जा रहा, फिर मान लेते 35% लोग अपने टीम में वीसी बना करके जा रहा, फिर यहां पर से बोले तो 10% लोग अपने टीम में जो है वीसी बना करके जा रहा। तो सेम वही बात है, जो परसेंटेज के हिसाब से आप सिलेक्ट करते हो 60% लोगों को भाई यहां पर से हैशटैग के एक रैंक नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पर से 60% लोगों को नहीं आएगा तो किसी एक व्यक्ति का हैशटैग एक रैंक आएगा। तो इस कंडीशन में आप कभी भी परसेंटेज के हिसाब से प्लेयर्स का सिलेक्शन करना बंद कर दो, कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन के मतलब परसेंटेज के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना बंद कर दो। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान में रखना है भाई, यहाँ पर से कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का कभी भी सिलेक्ट करना तो यहाँ पर से 12 या 15% देखो आपको बोले तो यहाँ पर से 12 से लेकर के गाइस 15% से नीचे जो प्लेयर्स होगा उसी को अपने टीम में जो सी या एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में भाई रिक्स खेलना सीखो, जब तक के आप रिक्स नहीं खेलोगे तब तक के भाई आप यहां पर से जीएल को विनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि नाम ही भाई ग्रैंड, ग्रैंड मतलब यहां पर से बहुत बड़ा ग्रैंड होता है, ग्रैंड मतलब यहां पर से बहुत सारा लोगों के साथ आपको कंपटीशन होता है, 70 लाख लोग रहता है, मान लो यहां पर से जैसा मैच रहता वैसा मतलब आपको 70 लाख 80 लाख लोगों के साथ खेलना होता। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान में रखना है भाई, कंपटीशन आपको कम करना है, कम कंपटीशन में ज्यादा आपको विनिंग करना है। तो ये आप 3 गलती को ड्रीम इलेवन में सुधार लेते हो तो भाई आप यहां पर से हैशटैग एक रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं आपसे यह साझा कर सकता हूं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा स्किल है, जैसे मैं यहां पर से जीएल को विनिंग करता हूं सिर्फ वही आपके साथ शेयर किया हूं, बाकी जो भाई को मेरे से भी ज्यादा स्किल होगा वह इस वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब यह वीडियो को स्किप करके भी जा सकते, क्योंकि भाई देखो मैं एक्सपीरियंस जैसे मैं अपना टीम लगाता हूं, जैसे मैं यहां पर से टीम का सिलेक्शन करता हूं, किस गलती को मैं नहीं करता हूं वही आपके साथ शेयर किया हूं, कैसे मैं कैप्टन बनाता हूं, परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको सिखाया हूं कि कैसे कैप्टन और सॉरी गाइस परसेंटेज के हिसाब से कैसे आपको कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है, फिर यहां पर से आते हो सिलेक्शन के आधार पर परसेंटेज के हिसाब से कैसे प्लेयर्स को लेकर के जाना है। तो ये 3 गलती को सुधार लेते हो आईपीएल में तो भाई आप हैशटैग एक रैंक बड़े आसानी तरीका से ला सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक के जाएगा, और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। तो मिलेंगे फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी लोग।